तो दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं कैफ़े 1991 को, जो गोमती नगर के विवेक खंड में है। तो आज हम यहाँ की कॉफ़ी रिव्यू करेंगे। दोस्तों एक चीज़ है लखनऊ की, इसको जाना जाता है नज़ाकत के लिए, तहज़ीब के लिए यहाँ के लोगों में। और आपको लखनऊ जब बोलते होंगे तो उसे ये याद आता होगा कि हाँ टुंडे कबाब या दस्तरखान, लेकिन पुरानी चीज़ें आपको दिमाग में आती होंगी। लेकिन लखनऊ अब मॉडर्न हो रहा है और जो कैफ़े कल्चर है वो बिल्डअप हो रहा है। और इस कैफ़े 1991 से हम समझ सकते हैं कि ये कॉफ़ी कल्चर कैसे डेवलप हो रहा है और कैफ़े कल्चर को यहाँ का जो यूथ है और यहाँ के लोग कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम कैफ़े 1991 में देखते हैं कि ये ट्रांजिशन किस तरीके से हो रहा है। चलिए रिव्यू करते हैं। De la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. So friends, हमने ऑर्डर किए थे कैपेचिनोस यहाँ पे, और कैपेचिनो आ चुकी है। अब इसको टेस्ट करके मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ इसको कैसा रिव्यू मिलता है, कैसा टेक्सचर है, कैसा टेस्ट है, और आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देता हूँ। तो चलिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ की कैफेचिनो मैंने टेस्ट कर ली है कैफे 1991 की, अब मैं थोड़ा रिव्यू देता हूँ। टेस्ट बहुत अलग था, जैसे कि आप देख सकते हो मैं 3 और कैफे ट्राई कर चुका हूँ लखनऊ के, टेस्ट बिल्कुल अलग था। काफ़ी अच्छा टेस्ट है और टेक्सचर बिल्कुल समझ में आ रहा था एंड उतनी हार्ड भी नहीं है कॉफ़ी। और माई एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट अबाउट दिस कॉफ़ी एट कैफे 1991। आई विल गिव 10 आउट ऑफ 10। तो आप ज़रूर इस कैफ़े में आएँ और इस कॉफ़ी को ट्राई कर सकते हैं। कॉफ़ी के साथ साथ इसके मेन्यू में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फूड है, ड्रिंक्स है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, गोल्ड कॉफ़ीज हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। अब मिलते हैं किसी नए कैफ़े में किसी नए कॉफ़ी फ्लेवर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टे ट्यून्ड। Je ne sais plus que voy à faire, je suis perdu.